तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमें कुछ चीजों के बारे में बात करनी है जो कि बहुत जरूरी है, और वो है हमारे पास नेचर ऑफ द एनर्जी, या मुझे ऐसे कहना चाहिए नेचर ऑफ द लाइट, कि लाइट की नेचर क्या है। तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं भी आप लोगों से, और कहानी का आगाज हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि आपको ये बात पता है कि जब हम फर्स्ट ईयर में लाइट की नेचर को डिस्कस कर रहे थे, नेचर ऑफ द लाइट जो चैप्टर का नाम है, तो वहां हमने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली लाइट की जिस नेचर को डिस्कस किया था वो थी हमारे पास वेव नेचर। यस, वी बिलीव कि जो लाइट है वो वेव लाइक बिहेवियर रखती है, रोशनी जो है वो वेव की तरह होती है, बिल्कुल वैसे ही वेव्स होती हैं जैसी कि वेव्स पानी के अंदर होती हैं। अगर हम पानी के अंदर किसी पत्थर को ड्रॉप कर दें तो जो वेव्स बनेंगी, या ये बिल्कुल उसी तरह वेव की तरह बिहेव करेंगी जिस किस्म की वेव्स हम किसी स्प्रिंग स्ट्रेच स्प्रिंग को अगर हम वाइब्रेट करवाते हैं, किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाते हैं, तो उसमें जो वेव्स होंगी, हमने कहा कि लाइट भी उन्हीं वेव्स की तरह बिहेव करेगी। उसी तरीके से हमने लाइट की वेवलेंथ, लाइट की फ्रीक्वेंसी, इन तमाम चीजों के ऊपर बात की, और फिर हमने उसकी एनर्जी को वहां पर क्या किया था, डिस्कस किया था। सो जो यंग का जो एक्सपेरिमेंट था, थॉमस यंग ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो एक कंक्रीट एविडेंस था, इस बात का एक पक्का सबूत है कि जो लाइट है उसकी नेचर कौन सी नेचर है, वेव नेचर है। अगर लाइट वेव है तो लाइट इंटरफेरेंस करेंगी, यस लाइट इंटरफेरेंस करती है। लाइट अगर वेव है तो लाइट डिफ्रेक्शन करेंगी, बेंडिंग करेंगी, यस लाइट वेव्स बेंडिंग करती हैं। लाइट अगर वेव्स हैं तो वेव्स पोलराइजेशन करती हैं, ट्रांसवर्स वेव पोलराइजेशन करती हैं, तो यस लाइट भी पोलराइजेशन करती है। सो ये तीन मैंने अभी जिन फिनोमिना के नाम मैंने लिए हैं, दे आर द कंक्रीट एविडेंस कि लाइट जो है वो वेव है। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ कि हम जिस इफेक्ट को डिस्कस करने जाना चाहते हैं, मसलन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मसलन हम कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम पेयर प्रोडक्शन को जो डिस्कस करना चाहते हैं, ये वो एक्सपेरिमेंट तो जो भी आएंगे इसमें, अभी हम पढ़ेंगे इस मॉडर्न फिजिक्स में, ये एक्सपेरिमेंट लाइट को अगर हम वेव मानते हैं तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट, राइट। हाँ, ये थोड़ी सी बात हो सकती है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन करते हैं, वो बाद में 1927 के बाद, ठीक है, 1927 के बाद इसको वेव के जरिए एक्सप्लेन करने में हम कामयाब हुए थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, बट लीव इट, हम उस हिस्टोरिकल डिटेल के अंदर मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फोटोइलेक्ट्रिक हो गया, कॉन्टेंस हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो गया, These are the three experiment which prove कि जो light है वो particle nature होती है, okay? अब मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हूँ और इस particle nature के ऊपर मैं जरा बात करता हूँ। ये जो light की particle nature है, obviously बात है, ये Newton believe करता था corpuscular theory कि light जो है वो consist of small particles हैं, right? लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि Thomas Young के experiment diffraction, polarization इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि लाइट वेव है, तो हम वेव के ही कॉन्सेप्ट को लेके चलते रहे। और चैप्टर नंबर 16 में आपको याद होगा कि मैंने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पर ट्रीट किया था, वेव उसकी वेवलेंथ की मैंने बात की थी, अच्छी तरह याद होगा, वहां सारा कॉन्सेप्ट हमारा वेव का था, ओके? तो आइंस्टाइन ने लाइट को या जो एनर्जीज हैं उनको दोबारा से पार्टिकल कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको यह बता दूं कि कहानी कुछ इस तरीके से शुरू हुई थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमारा टॉपिक है, आप ब्लैक बॉडी समझ लें, आप समझ लें जिस तरह मैं हो गया, तो मैं जब सूरज की रोशनी में जाऊंगा तो मैं हीट एब्जॉर्ब करूंगा, और जब मैं साए में आता हूं तो आई फील कि मेरे जिस्म से हीट निकल रही है, होता है ना, कोई बंदा गर्मी से आता है आपके पास तो आपको लगता है उसके जिस्म से गर्मी निकल रही है, सो हम हीट एब्जॉर्ब भी करते हैं और हीट रेडिएट भी करते हैं, ओके? इसलिए कोयला अगर आप ले लें, कोयले को अगर आप आग में रखें तो कोयला हीट एब्जॉर्ब करेगा, और फिर जब उसको आग से निकाल दें तो वो रेड लाइट में ग्लो करता हुआ नजर आएगा, और आप उसके करीब हाथ लेके जाए तो हमें हीट फील होगी, इसका मतलब इस दफा वो हीट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। सो जितनी भी बॉडीज हैं दे एब्जॉर्ब रेडिएशन, रेडिएशन से मेरा मतलब है थर्मल रेडिएशन, और दे इमिट रेडिएशन। अच्छा, आप मुझे क्यों देख पा रहे हैं इस सवाल का जवाब, और किस रंग में देख पा रहे हैं मुझे,
इस सवाल का जवाब ये कि लाइट मेरे बॉडी से टकरा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कुछ लाइट मेरी बॉडी अब्सॉर्ब कर रही है, कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है, जो रिफ्लेक्ट कर रही है वही कलर्स हैं जो कि आप देख रहे हैं, ओके। सो इसके साथ साथ मेरी बॉडी जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, या जिसको हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं, मैं लिख देता हूं ताकि लव रेडिएशन कहीं आपको डिसीव ना कर दे, आप ये ना समझ लें कि ये अल्फा बीटा गामा वाले रेडिएशन की मैं बात कर रहा हूँ या न्यूक्लियर रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं थर्मल रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो चीज है वो है थर्मल रेडिएशन। सो थर्मल रेडिएशन से मेरा मतलब है हीट, ठीक है, मतलब एक गर्म चीज उसके करीब मैं हाथ लेके जाऊं तो मुझे उसमें से गर्माइश निकलते हुए, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ थर्मल रेडिएशन, या सिंपल रेडिएशन का लफ्ज बोलूंगा, और वो क्या होती है, वो सारी की सारी हीट होती है, ओके, ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, हुआ ये था कि जो मशहूर जमाना साइंटिस्ट है जिसका नाम है मैक्स प्लैंक, तो मैक्स प्लैंक ने ये सपोज किया था, या मैक्स प्लैंक एक्चुअली ब्लैक बॉडी की जो सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन थी हमारे पास वो कोई नहीं थी। सो मैक्स प्लैंक ने अपना प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, मशहूर जमाना किस्म का लॉ है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को प्रपोज किया, उसमें उसने एक कांस्टेंट यूज किया था जिसको अब हम आज के जमाने में प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, एच, जिसको हम लिखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.634 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड। ये उसने कांस्टेंट यूज किया था अपने उस इक्वेशन के अंदर, और प्लैंक्स की वो जो इक्वेशन थी प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में, वो इक्वेशन ब्लैक बॉडी से निकलने वाली या किसी भी बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन की ईच एंड एवरी वेवलेंथ को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही थी। तो हमें उस प्लैंक्स के लॉ को मानना पड़ा। ये जो एच कांस्टेंट था, ये एक्चुअली इसने हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया एनर्जी का। प्लैंक्स ने जो सपोज किया पहले वो समझना है, और आइंस्टाइन ने उसमें क्या चेंज लेकर आया वो भी समझना जरूरी है। प्लैंक्स ने सपोज किया कि फर्ज करें मैं ये कह देता हूं कि ये एक मटेरियल है और इस मटेरियल से हीट रेडिएशन थर्मल रेडिएशन क्या हो रही है, इमिट हो रही है, ओके? तो ये जो भी सब्सटेंस है इट इज कंपोज ऑफ एटम्स, तो उन एटम को हम कह रहे हैं टाइनी ऑसिलेटर्स का उसने नाम दिया, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। तो उसने कहा कि वो जो एटम्स हैं इसके, इसको उसने कहा कि दे आर द टाइनी हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक बात तो ये उसने कही कि ये टाइनी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, और इन टाइनी हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वाइब्रेशन है, इनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, इनकी जो वाइब्रेशनल कहना चाहिए, या इसकी जो है कह रहे हैं ऑसिलेटिंग, जो ऑसिलेटिंग एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये जो एटम्स जो हैं, ये जो टाइनी हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, ये ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये ऑसिलेशन वही है जिसका हमने सिंपल पेंडुलम के अंदर देखा था कि अबाउट द मेन पोजीशन की बॉडी वाइब्रेट करती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अगर वो एटम है तो ये यहां तक जा रहा है और यहां से यहां तक जा रहा है, ये दो जगह है जिसके दरमियान ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ये जो वाइब्रेट कर रहा है, इसकी वाइब्रेशन या इसकी ऑसिलेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यहां तक बात देख लो जरा इसको एक बार, इसमें यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई इश्यू हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, सही है, ठीक है। अच्छा, ये जो वाइब्रेट कर रहा है, ये क्यों वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है इसलिए कि कहीं से कोई एनर्जी इसको मिली है, और यार ये कोई एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो मैं लिखूंगा कि एनर्जी एब्सॉर्ब, या एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट से मेरा मतलब है कि एनर्जी इमिट कर रहा है, मैं इमिट का लफ्ज लिख देता हूं ताकि जरा आसानी हो जाए, या एनर्जी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, ये जो एब्सॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है, ये है वो फ्रीक्वेंसी, कि वो जो मैंने कहा ना कि वो जो टाइनी हार्मोनिक ऑसिलेटर है उनकी ऑसिलेशन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, उस फ्रीक्वेंसी के जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं, या जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी वो क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी वो क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। तो जो एनर्जी हमें मिल रही है या जो एनर्जी पहले हम इनको दे रहे थे, एब्सॉर्ब करवा रहे थे, जिस तरह मैंने कोयले की मिसाल ली कि कोयला है उसको पहले हम आग में रखते हैं, तो वी आर गिविंग इट एनर्जी, तो वो जो एनर्जी लेता है कोयला आग से, तो वो एनर्जी लेने के बाद उसके जो एटम्स हैं दे आर ऑसिलेशन, दे आर डूइंग ऑसिलेशन, उनकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड, उनकी ऑसिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस फ्रीक्वेंसी के, जो फ्रीक्वेंसी वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी की अब्सॉर्ब कर रहे हैं। एक तो उसने ये बात सपोज की, दूसरी उसने मैक्स प्लैंक ने ये बात कही कि ये जो एनर्जीज हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल में इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब उसने कहा कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। अच्छा, हम लोग फ्रीक्वेंसी को एफ नहीं, हम इंटरमीडिएट में इस तरीके से सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, एन यू न्यू पढ़ते हैं, न्यू एन यू न्यू, नया नहीं होता, जिसरा नया होता है इसरा समझ लो, एन यू न्यू पढ़ते हैं इसको। तो हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ओ एनर्जी सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी जब हमने इज इक्वल टू लगाया तो यहां पे कांस्टेंट एक लगाया एच और साथ में फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, न्यू। तो ये वो इक्वेशन थी जो उसने डेवलप की। फिर उसने कहा कि ये जो एनर्जी है या तो ये होगी 1h न्यू, या एनर्जी होगी 2h न्यू, या एनर्जी होगी 3h न्यू, इस तरीके से चलता रहेगा। यानी कहने का मतलब ये था कि एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू। ये वो फॉर्मूला था जो के समझ लेंगे डेवलप किया गया था मैक्स प्लैंक की तरफ से। ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो क्या सपोजिशन है प्लैंक्स की? प्लैंक्स की सपोजिशन ये है कि वो जो मटेरियल है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या कोई भी मटेरियल है, वो जिन एटमों से कंपोज हुआ है उनको आपने टाइनी हार्मोनिक ऑसिलेटर समझना है। उन ऑसिलेटर्स की एक वाइब्रेशन है जिसकी जो डिपेंड कर रही है ऑब्वियसली बात है एनर्जी होगी, क्योंकि हम किसी चीज को वाइब्रेट कराने के लिए वी गिव इट एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी ज्यादा देंगे वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और अगर हम उसे एनर्जी देंगे तो उसकी वाइब्रेशन कम हो जाएगी। सो दिस इज सिंपल स्टोरी, दोगे तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, लोगे तो कम वाइब्रेट करेगा। ओके, सो उसने कहा कि वो जो एनर्जी इमिट कर रहा है या वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये फ्रीक्वेंसी का भी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कर दिया, इस एन का मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है ये कुछ टुकड़ों में बटी हुई है। मसलन हमारे पास दो किस्म के नंबर हैं, एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट, एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस। मेरी क्लास में स्टूडेंट हो सकते हैं 10, या हो सकते हैं 11, या हो सकते हैं 12, लेकिन अगर मैं कहूं 10.7 तो ये ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से नहीं हो सकता, अभी बोलेंगे। तो लोगों की तादाद किसी कमरे में इज ए डिस्क्रीट, एंड द सिमिलर स्टोरी गोज हियर, यही मैं यहां पर कह रहा हूं डिस्क्रीट। लेकिन मेरा वजन 80 kg भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, 80.7 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता 80.7? 80. बहुत सेंसिटिव डिवाइस हो तो बताएगी 80.23। ओके, सो हमारा जो वजन है वो कंटिन्यूस कोई भी नंबर हो सकता है, एनी आर्बिट्रेरी नंबर। आर्बिट्रेरी कहते हैं कोई भी जो वैल्यूज आ जाती है अख्तियारी नंबर होता है। सो मेरा जो वजन है इट कैन हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, बट द नंबर ऑफ द पीपल इन अ रूम कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, बट दे हैव द फिक्स नंबर, दे हैव द फिक्स अमाउंट ऑफ नंबर, ये कहना चाहिए फिक्स डिजिट है। They can be increasing or decreasing in a fixed amount. एक fixed amount होगा जिसमें ज्यादा होगा और कम होंगे, कोई continuous number नहीं हो सकता। मेरा ख्याल बात समझ में आ रही है, यही concept exactly Max Planck ने develop किया। लेकिन Max Planck ने जो concept develop किया वो किसके लिए किया था? इन atoms के लिए किया था। उसने ये आने वाली energy के लिए, जो energy आ रही है या energy जा रही है, इनके लिए ये concept develop नहीं किया था। अब जनाब आते हैं आइंस्टाइन की तरफ। ओके, अच्छा, ये जो मैक्स प्लैंक का लॉ था, दिस लॉ कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन ऑल द वेवलेंथ एमिटेड और अब्सॉर्ब बाय अ ब्लैक बॉडी। आइंस्टाइन साहब ने क्या किया? आइंस्टाइन ने इसी को यूज किया
E directly proportional to the frequency. उसने कहा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। मेरा ख्याल है इसको मिटा देता हूं और आइंस्टाइन की बात को लिख के उसको डिस्कस करता हूं। यहां तक देखें, अगर कोई सवाल है तो बताइए, कॉपी करने दें, क्लियर है तो थम आओ।